नमस्कार दोस्तों, आओ सीखें नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, चाहे बच्चों के स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, जेंट्स स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो बॉर्डर बनाने के बाद तो 2 लाइन हम प्लेन बना लेंगे, आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब तीसरे लाइन से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ये पहला फंदा स्लिप कर लिया, फिर 2 फंदे और उल्टे, तीसरा फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, फिर तीसरा फंदा सीधा। तो इन्हीं 4 फंदों को, 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा और लास्ट में भी 3 फंदा उल्टा आएगा। हमने 3 फंदा उल्टा से शुरुआत किया था और लास्ट में भी 3 फंदा उल्टा ही आएगा। और रॉन्ग साइड से अब ध्यान दीजिएगा, हमारा ये जो 3 फंदा उल्टा था, अब वो 3 फंदा सीधा हो जाएगा। और ये हमारा 1 फंदा सीधा था, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, इसमें एक बार उल्टा बनाएंगे, ऊन ऐसे चढ़ाएंगे और एक बार और उल्टा, यानी हमने यहाँ पे 1 से 3 फंदा कर लिया। फिर ऊन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन ऐसे चढ़ाएंगे और 1 फंदा और उल्टा, यहाँ पे हमने 1 से 3 फंदा कर लिया। ऊन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन सिलाई में चढ़ाएंगे और इसी फंदे में एक बार और उल्टा फंदा बना लेंगे, तो हमने सीधे वाले हमने 1 से 3 फंदा कर लिया। और फिर लास्ट में 3 फंदा सीधा आएगा, जिसे हम बुन लेंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 2, 3, उन दूसरी ओर करेंगे, यहाँ पे हमने 1 से 3 किया था, तो इन्हें सीधा बुन लेंगे, यानी 3 फंदा सीधा। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा। तो 3 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से भी जो सीधा फंदा था, ये अब यहाँ उल्टा हो जाएगा और जो उल्टा था वो सीधा हो जाएगा। तो 3 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा, ये हमने 1 से 3 किया था, तो ये 3 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा। तो 3 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये डिज़ाइन का 5वां लाइन है। तो हमारा शुरुआत में 3 फंदा उल्टा है, जिसे हम बुन लेंगे, और अब उन दूसरी ओर करेंगे, ये 3 फंदा सीधा है, तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, ये देखिए हमारा दूसरा फंदा है, इसमें सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में और लास्ट में तीसरे फंदे में, फिर तीनों फंदों को हम एक साथ 3 का 1 कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, यहाँ पे हमने 1 से 3 किया था, यानी कि 2 फंदा बढ़ा था, तो हम इसे यहाँ अब घटा देंगे, तो
तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में और लास्ट में तीसरे फंदे में। फिर तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए तीन का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। उन अपनी ओर करेंगे तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे पहले यहाँ पे तीन फंदे सीधे हैं तो पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे। ये सीधा बुना, एक तीसरा फंदा सीधा बुन लिया, उसके बाद ये दूसरा और पहला फंदा है, इसको भी ऐसे हम इस पे चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे तीन का एक हो गया, लास्ट में तीन फंदा उल्टा रहेगा जिसे हम बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से, यानी यह हमारा छठा लाइन है, तो जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुन लेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। तो तीन फंदा सीधा हो जाएगा और एक फंदा उल्टा। तीन फंदा सीधा बुनते हुए और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो अब हम पांच फंदे उल्टा बुनेंगे। पहले हमने तीन फंदा उल्टा बुना था, अब हम पांच फंदे उल्टा बुनेंगे। और ये जो तीन फंदा उल्टा था बीच में, तो इसके मिडिल फंदे में, यानी दूसरे फंदे को हम सीधा बना लेंगे। तो हमने किनारे पांच फंदा उल्टा बुना, फिर एक सीधा, अब तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा। और इसमें चूंकि तीन ही डिज़ाइन है, इसलिए एक ही बार यहाँ पे तीन फंदा उल्टा आएगा। अब एक फंदा सीधा हो गया, तो लास्ट में पांच फंदा उल्टा आ जाएगा। रॉन्ग साइड से पांच फंदा सीधा, और यहाँ पे एक फंदा उल्टा है, तो हम एक से तीन फंदा करेंगे, फिर पांच फंदा सीधा, सॉरी फिर तीन फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर उन सिलाई में चढ़ाएंगे और इसी फंदे में एक बार और उल्टा बुनेंगे, तो ये एक से तीन हो जाएगा और लास्ट में पांच फंदा सीधा आएगा। अब पांच फंदा उल्टा, एक तीन फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, और लास्ट में पांच फंदा उल्टा आएगा। रॉन्ग साइड से पांच फंदा जो उल्टा था, ये पांच फंदा सीधा हो जाएगा। फिर तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, और लास्ट में पांच फंदा सीधा हो जाएगा। और अब जैसे हमने इस डिज़ाइन को फंदों को घटाया था, सेम वैसे ही अब घटा देंगे, तो पांच फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, दूसरे वाले फंदे में पहले सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और लास्ट में तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे। और तीनों को एक साथ लेते हुए, तीनों को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे तीन फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में, फिर तीसरे वाले फंदे में। और अगर आपको तीनों को एक साथ घटाने में परेशानी हो रही होगी, तो ऐसे पहले तीसरा वाला फंदा इस पे घटा लीजिए, फिर इसी फंदे को पे ये दोनों भी ऐसे उठाइए और इस पर ऐसे उतार दीजिए। तो यहाँ पे तीन का एक हो गया और लास्ट में पांच फंदा उल्टा। रॉन्ग साइड से पांच फंदा सीधा,
एक फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा। तो इन्हीं 12 लाइनों को हमें दोहराना है। ये जो बीच में स्पेस है, अगला डिज़ाइन इसके ऊपर बनेगा। तो इसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, देखिए। आशा है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।